like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनोली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज हम यहां पर क्रैंकशाफ्ट सॉलिड वर्क्स में किस तरह से बनाना है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर आपका क्रैंकशाफ्ट का फ्रंट व्यू और लेफ्ट साइड व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें हमने ऊपर जो सेक्शन दिए हुए हैं, एक सेक्शन क्रैंकशाफ्ट के, ठीक है, बार्ड का सेक्शन है, ए सेक्शन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी साइज आपका 40 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एंड 27.5 रेडियस है इसका। सेम इसी तरह से जो बी पार्ट है आपका, यहाँ पर इसका सेक्शन आपका बी से शो किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 80 और 27.5 इसका रेडियस दिया हुआ है। तो हमको ये ड्रॉ करना है, सारी डायमेंशन इसमें मेंशन की हुई है, ठीक है। तो चले देखें आपको किस तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले आप इसका राइट साइड सिलेक्शन करेंगे। राइट साइड सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर आपको 120 डायमीटर का सर्कल आपको यहाँ पर बनाना है, और ये आपके पास में यहाँ पर दिया है 4 होल डाया 20 PCD 80 डायमीटर में आपको 4 होल यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वर्क्स आप ओपन करेंगे और सबसे पहले आप न्यू में जाके पार्ट सिलेक्शन करें, देन ओके। यहाँ से आप राइट प्लेन का सिलेक्शन कीजिए, राइट प्लेन, नॉर्मल, स्केच। यहाँ पर आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। इस सर्किल का साइज आप यहाँ पर देंगे 120 डाया। एंड नाउ सर्किल आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इस सर्किल का साइज आपको यहाँ पर देना है 12 डायमीटर, ठीक है, और यहाँ से आप इसकी डिस्टेंस को 40 कीजिए, यानी PCD आपका 80 दिया हुआ है, तो ये आपका 40 आएगा, ओके। यहाँ पर आप सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और लीनियर स्केच पैटर्न जहाँ लिखा हुआ है इसमें नीचे अगर आप एरो पर क्लिक करेंगे तो सर्कुलर स्केच पैटर्न आपको यहाँ पर शो करेगा। आपको यहाँ पर 4 होल देने हैं, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आप 4 दे दीजिए, टोटल एंगल आपका 360 डिग्री, और इसको आप ओके कर दीजिए, देन एक्सिट। फीचर्स में आप जाएंगे, इसको एक्सट्रूड करें, सेलेक्ट करें, देन कंटूर में जाके आप यहाँ से होल को सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल होल जो कि आपका 12 डायमीटर का दिया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस दी हुई है, थिकनेस दिया हुआ है 16 थिकनेस इसका है, ये आपका सर्कुलर पार्ट है जिसकी थिकनेस आपको यहाँ पर 16 दी हुई है, तो आप यहाँ पर 16 डिस्टेंस यहाँ पर आप दे दीजिए 16, देन इंटर एंड ओके। सेम फेस को आप सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल, और यहाँ आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे फिर सेंटर में, इसके सेंटर में सर्कल ड्रॉ करके इसको आप 50 डायमीटर का सर्कल आप यहाँ पर देंगे 50, देन एग्जिट वर्कबेंच। फीचर्स में जाइए, यहाँ से वापस आपको एक्सट्रूड करना है सर्कल को, तो एक एक करके आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, और ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर 60 की दी हुई है, तो आप यहाँ पर 60 डिस्टेंस इस पर दे दें। इसमें टाइप कीजिए आप लेफ्ट साइड में जो आपके पास में विंडो है, ठीक है, आपको यहाँ पर 60 डिस्टेंस देनी है, देन ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आप चलेंगे, तो यहाँ पर स्मॉल आपका कट सेक्शन वाला जो सेक यहाँ पर दिया हुआ है ए सेक्शन, ठीक है, इसकी साइज आप यहाँ पर देखिए, तो टोटल आपका 96 डिस्टेंस वैसे है इसमें, तो आप यहाँ पर सेंटर से ड्रॉ करेंगे। तो हमको यहाँ पर देखिए इस फेस को सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली आप फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल में जाइए, यहाँ से आप स्केच का सिलेक्शन करके और स्ट्रेट स्लॉट का यूज करें आप, ठीक है, स्ट्रेट स्लॉट का यूज करते हुए आप यहाँ से सेलेक्ट करें और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ठीक है।
ये स्केच आप ड्रॉ कर लें। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी यहाँ पर 40 दी हुई है, तो आप इसको 40 करें, और इसकी साइज आपको 27.5 रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप 27.5 रेडियस दीजिए। एग्जिट करें, फीचर्स में जाएंगे, वापस इसको एक्सट्रूड करके आप इस स्केच को सेलेक्ट करें, और यहाँ से एक डिस्टेंस आपको देनी है 20 डिस्टेंस। तो 20 डिस्टेंस आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, जहाँ पर कि आपके पास में ब्लाइंड में फर्स्ट डायरेक्शन में और यहाँ पर डिस्टेंस का ऑप्शन है, आप यहाँ पर 20 डिस्टेंस देन स्केच ओके क्लिक कर लें, ठीक है। उसके बाद में सेम फेस को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ से डिस्टेंस आपको 35 दी हुई है, इसका जो डायमीटर है सेम डायमीटर आपको यहाँ पर 45 डायमीटर आपको इसको देना है, 45 डायमीटर, ये आपका 45, 45 और ये 50, ठीक है। तो बाकी आपका यहाँ से वापस फेस को सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल, और स्केच आप यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट होगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, सेंटर पॉइंट आपको शो करेगा, और यहाँ से यू कैन ड्रॉ द सर्कल एंड देन स्पेस बाय 40 डायमीटर एंड एग्जिट, देन ओके गो टू स्मार्ट डायमेंशन, एग्जिट फ्रॉम वर्क बेंच फीचर, देन अगेन सेलेक्ट द सर्कल फॉर एक्सट्रूड। ओके नाउ डिस्टेंस यहाँ पर आपको 35 दी हुई है, आप 35 की डिस्टेंस यहाँ पर दें, ठीक है। तो ये आपका 35 यहाँ पर मेंशन आपको करना है, 35 डिस्टेंस, देन ओके अगेन सेलेक्ट द फेस, देन स्केच एंड सेम स्ट्रेट स्लॉट का यूज करें, इसका जो सेंटर पॉइंट है आप यहाँ से सेंटर से क्लिक करें और यहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉ करें इसको, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास में 27.5 ये रेडियस आपका आएगा, 27.5, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको यहाँ पर 80 देना, 80। देन एग्जिट अगेन, फीचर्स एक्सट्रूड एंड सेलेक्ट द स्केच, आप स्केच को सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसकी साइज को 25 आपको देना है, 25 की साइज है यहाँ पर, देन एग्जिट। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेम यहाँ से आपका 45 डायमीटर है यहाँ पर भी, ठीक है, और सेम यही सेक्शन आप इसको भी यूज करेंगे, और इसकी जो लेंथ है आपका 35 आपको देनी है, यहाँ 35 लेंथ आपको दिया हुआ है। तो जस्ट आप फेस को सिलेक्ट कीजिए नॉर्मल, डायरेक्टली आप फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच में आप जाएं तो यहाँ से आप सेंटर रेक्टेंगल आपको यहाँ पर देना है, ये आपके पास में स्ट्रेट स्लॉट का ऑप्शन है, स्ट्रेट स्लॉट। ओके देन डायमेंशन में जाएंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका 40, देन 27.5, एग्जिट, फीचर्स, देन एक्सट्रूड, अगेन सेलेक्ट द स्केच। अच्छा यहाँ पर ये स्केच हमको ड्रॉ नहीं, हमको सीधे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसी स्केच को हम डिलीट करेंगे, यहाँ से वापस स्पेस को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपको सर्किल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे आप सर्किल ड्रॉ करें, और ये सर्किल का साइज आपका 22.5 यानी 45 डायमीटर का रहेगा। एग्जिट कीजिए, अगेन फीचर, देन एक्सट्रूड एंड सेलेक्ट द सर्किल, और इसको आपको 35 डिस्टेंस देना है यहाँ पर, 35, देन ओके, फिर इसलिए कंटिन्यू सेलेक्ट करें, वापस फेस, यू डायरेक्टली सेलेक्ट द फेस, आप डायरेक्ट यहाँ पर फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको यहाँ पर भी देना है, तो इसकी साइज आपको 27.5, और यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 40, अगेन एग्जिट, then features, extrude, and select,
स्केच, और यहाँ पर ये साइज आपको वहां पर 20 दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर वापस 20 थिकनेस यहाँ पर दे दें इसकी, देन ओके। अब देखिए आगे यहाँ पर आपको 50 डायमीटर का सर्कल दिया हुआ है, और सेम आप इसको यहाँ से मिरर कर सकते हैं, यहाँ पर सेम डायमेंशन आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इसकी 45 डिस्टेंस है, यहाँ तक तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये डिस्टेंस आपकी 45 है, तो 22.5 तक आप यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल फिफ्टी डाया, एग्जिट एक्सट्रूड डिस्टेंस 22.5, देन ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से आप मिरर कर सकते हैं इसका। मिरर करने के लिए आपको यहाँ पर बॉडी टू पैटर्न करना है आपको, ठीक है। तो बॉडी में आप यहाँ से यहाँ पर फीचर्स, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ फीचर, सॉरी फर्स्ट यू सेलेक्ट द प्लेन, तो आप फेस को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में बॉडी में आप यहाँ से फीचर्स टू मिरर, फीचर्स टू मिरर में फीचर को आप सिलेक्ट करेंगे, एक ये फीचर्स, ये एंड नेक्स्ट ये, देन ओके। एडिट डेफिनेशन, और यहाँ पर आप ज्योमेट्री पैटर्न सेलेक्ट कीजिए, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन है यहाँ से, सॉरी हाँ जी, यहाँ से आप फिर वापस 45 डिस्टेंस तक ये आप 45 डायमीटर का सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इसी फेस को आप सेलेक्ट करते हुए नॉर्मल में चलें, यहाँ से आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिस सर्किल का आपको साइज यहाँ पर दिया हुआ है 45 डायमीटर, सेलेक्ट करें एंड देन स्पेस पर डायमीटर 45, एग्जिट फीचर्स एक्सट्रूड, और इसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ से 45 डिस्टेंस आपको देनी है, 45 देन ओके। अगेन आप वापस स्पेस को सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल में जाएंगे और यहाँ से एक सर्कल और ड्रॉ करें जिसका कि साइज आपका यहाँ पर 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो 50 डायमीटर का आपको वापस एक सर्कल ड्रॉ करना है, एग्जिट करना फीचर्स में, देन एक्सट्रूड, तो एक्सट्रूड का ज़्यादातर काम है यहाँ पे, ठीक है। और इसके डिस्टेंस को यहाँ पर आप देंगे 100 डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई, तो 100 डिस्टेंस आपको यहाँ पर करना है, 100 ओके। देन आप इस स्पेस को सिलेक्ट कीजिए नॉर्मल, और यहाँ से वापस आप इसको 25 डायमीटर का एक सर्कल और ड्रॉ करना आपको 25 डायमीटर का, देन इसको एग्जिट करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, यहाँ से आप वापस एक्सट्रूड करें और 20 साइज के सर्कल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ पर 25 का 20 डिस्टेंस तक आप उसको एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पर आप 20 डिस्टेंस एक्सट्रूड करेंगे, देन ओके।
यहाँ पर आपको वापस एक की होल करना है, ठीक है, की होल स्लॉट, की स्लॉट आपको यहाँ पर देना है। तो रेक्टेंगल का यूज करते हुए और एक सर्कल आप यहाँ पर वापस ड्रॉ करना है, जो कि 45 डायमीटर तक आप इसको देंगे, ठीक है, 45 डायमीटर। ये साइज आपकी यहाँ पर अगर मेंशन की हुई है तो यहाँ पर आपको 10 डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका रेडियस 25 का है, तो इसकी साइज आपका 10 mm, इधर से आप 5 सेंटर करेंगे। ये आपका 25, आप यहाँ पर 25 देख के चलें, और इसको आप थोड़ा सा इसको आप अंदर की तरफ ले जाएं। ये यहाँ तक ये आपको डिस्टेंस देनी है, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, इसको आप डिलीट करेंगे यहां से और इसको आप इंक्रीज करें थोड़ा सा आगे आप ले जाए। डिलीट, यदि ये स्ट्रेच नहीं होगा तो आप इसको, ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रिम करेंगे। ये यहाँ पर आपको ट्रिम करना है, तो ट्रिम आप इसको लाइन को और यहाँ से ये आउटर सर्कल आपको ट्रिम करना है, ठीक है, और एग्जिट वर्क बेंच, तो यहाँ से आप फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट ऑप्शन आप लीजिए, इसको सेलेक्ट करें, स्मॉल स्केच है आपके पास में, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से आप 100 डिस्टेंस दे दें, ठीक है, मेटल रिमूव करना है आपको 100 डिस्टेंस, देन ओके। तो यहाँ पर आपका की होल प्रोफाइल है, ठीक है, और आप यहाँ से हाइड कीजिए, कंप्लीट आपका क्रैंक शाफ्ट कंप्लीट हो चुका है। देन वायर फ्रेम में जाएंगे, आप इसका अगर राइट साइड सिलेक्शन करते हैं तो आपको ये इस तरह से देखेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका फ्रंट सिलेक्शन करते हैं तो फ्रंट में आपको नजर आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। देन टॉप व्यू, अगेन फ्रंट, जैसे कि फ्रंट में आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्केच में, ठीक है, ये आपका फ्रंट सिलेक्शन है, तो फ्रंट में आपको इस तरह से ये नजर आएगा। और इसी तरह से अगर आप यहाँ से राइट सिलेक्शन करेंगे तो ये आपका राइट सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट राइट सिलेक्शन में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दो होल नजर आए हैं, ये आपको डॉटेड में नजर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर शो नहीं किया उनने। यहाँ से आप इसको 3D मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, 3D आइसोमेट्रिक, और अगेन वायर फ्रेम एंड फिल द कलर, आप कलर यहाँ पर दें, सेलेक्ट करें,
पार्ट बॉडी, देन डबल क्लिक कलर्स, और यहां से आप कलर सिलेक्शन कर लो। ठीक है, जो भी अगर आपका कलर आपको देना हो उस कलर का आप यहाँ पर सिलेक्शन कर दें। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्रैंकशाफ्ट का फाइनल मॉडल जो कि आपके सामने है। ठीक है, आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं इससे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।